दुर्ग में महिलाओं से ठगी का मामला सामने आया है। बता दें कि आरोपी लोन दिलाने के नाम पर 5 महिलाओं से 90,000 की ठगी करके फरार हो गए हैं। दरअसल आरोपियों ने महिला स्वास्थ्य सहायता समूह के नाम पर लोन दिलाने का झांसा दिया और खाते से पैसे निकालकर फरार हो गए। ठगी का पता चलते ही महिलाएं मामला दर्ज कराने पुलिस थाने पहुंची। मामले की जानकारी देते हुए कोतवाली थाना प्रभारी महेश ध्रुव ने कहा कि पीड़ित महिलाओं से लगभग 90,000 रुपये की राशि की ठगी होने का मामला सामने आया है, जिसमें पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। राजीवनगर क्षेत्र का मामला है। विगत दिनों सुमिता फाइनेंस रायपुर की कंपनी है, वहाँ के कुछ लोग, वहाँ के एम्प्लॉय बताकर हमारे क्षेत्र की महिलाओं को झांसे में लिया। लगातार उन्होंने उन्हें कहा कि 1% ब्याज में 1 लाख रुपए का लोन मिल जाएगा और इससे वो महिलाएं आत्मनिर्भर के तौर पर अपना व्यवसाय कर सकती हैं। इस तरह से उन्हें लगातार झांसा दिया और उनको कहा कि अपने अकाउंट में 1 लाख की बैलेंस दिखाना है। उन महिलाओं ने, जो कामकाजी महिलाएं हैं बेचारी, बहुत ही गरीब परिवार से हैं, हम लोग के साथ में ठगी हुआ है। लोन दिलाने के बहाने हम लोग का पैसा अकाउंट से निकाल लिया है। ओटीपी पूछ के कौन है जिसे निकाले आप लोगों? रोशन साहू नाम बताया। कहाँ रहता है ये? वो बुरा है कि मैं राखी में कहा पता हूँ महादेव घाट, और उससे ज़्यादा मैं नहीं। आप लोग कब से जानते थे उसको? उसको नहीं जानते हम लोग, एक हफ्ते में वो 2-3 बार आया। वो किसके थ्रू मिले थे आप लोग? किसके माध्यम से उससे मिले थे? एक वही पे महिला है बुजुर्ग मीना ठाकुर करके नाम से, उसके यहाँ है। कहाँ रहते हैं? राजीव नगर। कितने महिला का समूह था आपके साथ? हम लोग 4 जन, 5 जन थे, पर 4 जन का पैसा था उसमें, 1 जन नहीं दी थी। कितना पैसा है? 90,000 चारों का मिला के। ये गया नगर का मामला है। वहाँ पर मैं, 2 अज्ञात व्यक्ति लोग आए थे जो बताए थे कि 1% ब्याज पे वहाँ पर मैं आप लोगों को लोन मिल सकता है करके, और 4-5 महिलाओं को उसमें ग्रुप बनाना पड़ेगा करके। इसमें वहीं की जो महिलाएं हैं, 4-5 लोग मिलके एक ग्रुप बनाए और छत्तीसगढ़ मर्यादित बैंक में खाता खुलवाए, जिसमें बताया उन जो फ्रॉड से उनके द्वारा बताया गया था कि आपको पहले आपको 1 लाख रुपये कम से कम जो है खाते में जमा रखना पड़ेगा, उसी के आधार पर आपको 1 से 5 लाख तक का लोन मिलेगा कर गया। इसी आधार पर उन्होंने 1 लाख रुपये पहले खाते में जमा करवाया, और जो आरोपी थे वो ऑलरेडी पहले से उनका अकाउंट नंबर लेकर रखे हुए थे, और अब उन्होंने बेनिफिशियरी अकाउंट पहले से रखा हुआ था, मोबाइल बैंकिंग वगैरह भी उन्होंने बना के रखा था, जो कि उनके मोबाइल पे दिख रहा है महिलाओं के, जो उनके पास में अलर्ट मैसेज आया उसमें दिख रहा था वो, जिसके आधार पर जैसे ही उन्होंने 1 लाख रुपये जमा किया, 1 लाख नहीं लगभग 90,000 रुपये जमा हुआ है, तो उसमें से 90,000 रुपये उन्होंने ट्रांजेक्शन मारा है। कितनी महिलाएं थे सर इसमें? 5 लोग हैं जो वहीं गया नगर की हैं।